भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के प्रयासों से एवं मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोधा द्वारा स्वीकृत डीपीडीसी फंड के माध्यम से मलाड पश्चिम स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगण में क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड के लिए स्टेडियम में बैठने की जगह का निर्माण, फ्लड लाइट स्थापित करना, बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, पिकल बॉल, बैडमिंटन, स्केटिंग रिंग, ओपन जिम, किड्स प्ले एरिया, वॉकिंग ट्रैक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए गजेबो और अन्य निर्माण कार्यों का भव्य भूमि पूजन शनिवार को किया गया। इस भव्य भूमि पूजन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर मुंबई से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी पीयूष गोयल, उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी सहित पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मलाड के वरिष्ठ नेता आर्यू सिंह, विनोद छेलार, गणेश खनकर, तेजिंदर तिवाना, गंगाराम जमनानी, जिला महासचिव बाबा सिंह और सैकड़ों स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करते हुए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करते हुए आज इस बड़े उपयोगी खेल मैदान के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सबके नेता, केंद्रीय मंत्री और जो सबके लिए प्रेरणा का काम करते हैं ऐसे आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, और जिनके कारण उत्तर मुंबई की स्थिति आज बेस्ट पार्लियामेंट और बेस्ट सोसाइटी ऐसी होने लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि हम सब जब बचपन से ही प्रेरणा लेते हैं हमारे नेताओं से, उनके विचारों से, और बचपन से ये संस्कार आते हैं कि हम जनता की सेवा करें, ज्वलंत जो विषय होते हैं उसके ऊपर अपने अपने तरीके से उनका समाधान करने का काम करें। मैं समझता हूँ क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या आज तेजेंद्र जी के मेहनत से, गोपाल जी के आशीर्वाद से और मंगल प्रभात लोढ़ा हमारे यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर सब ने मिलकर जो ये समाधान किया है इतनी बड़ी समस्या का, इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत खुशी का माहौल है। और साथ ही साथ युवा शक्ति खेलकूद से जुड़े स्पोर्ट्स में अपना परचम लहराए, अब तो भारत ओलंपिक्स का भी दावेदार है 2036 में, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि उत्तर मुंबई से भी हमारा प्रतिनिधित्व हमारी कोई छोटी बहन या युवा यहाँ से करे और ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन करे। सर, मशहूर गायिका जो है सर अनुराधा जी ने, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया, कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश में उत्साह और उमंग है, एक विश्वास पैदा हुआ है कि इस बार 10 वर्ष के जो कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है उसके आधार पर देश में एक विश्वास पैदा हुआ है कि भारत अब विकसित भारत बनेगा। दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती और अच्छे लोग समाज में जिन्होंने अपना नाम बनाया, अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाए, ऐसे लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। ये हम सबके लिए सम्मान की भी बात है, प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ा आशीर्वाद है और देशवासियों का सौभाग्य है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का अध्यक्ष हूँ और एक दायित्व मुझ पर है तो मुंबई के युवाओं को और उनके भविष्य के लिए मैं क्या अच्छा कर सकूँ इसके बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ। हमें, मेरे जैसे युवा को, आदरणीय गोपाल जी शेट्टी जैसे जो नेता है वो प्रेरित करते हैं, जो हमारे उद्यान सम्राट जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने दहिसर से लेके मलाड तक ऐसे कई अच्छे उद्यान, चाहे वो युवाओं को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ दिलाना हो, चाहे वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छे गजेबोज बनाना हो, तो बहुत सारे अच्छे उद्यान उन्होंने डेवलप किए। तो उनसे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर मेरे जैसा युवा मलाड में भी आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप जो क्रीडांगन और आज ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये प्लेग्राउंड है, इसको डेवलप करने के लिए संकल्प लेकर हम आगे बढ़े हैं। और ये ग्राउंड के लिए आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने हमें निधि उपलब्ध कराई, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस मैदान के माध्यम से क्रिकेट और फुटबॉल की सुविधाएँ युवकों को दी जाएगी, उसके साथ साथ विविध बैडमिंटन
या अपना वॉलीबॉल या लॉन टेनिस, ऐसे कई गेम्स, पिकल बॉल, वो इस मैदान के माध्यम से होंगे। वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा, फ्लड लाइट्स लगाए जाएंगे, सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए गजेबो बनाया जाएगा। तो मुझे गर्व होता है कि हमारे नेतृत्व से सीखकर मैंने आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की प्रथा को आगे बढ़ाई है और युवकों को एक नया तोहफा मलाड़ में, ये दूसरा नया तोहफा मलाड़ के युवकों को, उत्तर मुंबई के युवकों को, मुंबई के युवकों को देने का काम ये हमारे माध्यम से हो रहा है, इसकी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है।